हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, और ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि एमसीआई की तरफ से है, और इसे आप एनटीए की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का। तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आप इस सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद में इसका प्रिंटआउट निकलवा करके जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पर चिपका लीजिएगा या रख लीजिएगा। और इसमें जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप अगर कोई रेफरेंस बुक के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो उस रेफरेंस बुक के अंदर कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली ऐसे होंगे जो कि नीट के सिलेबस में नहीं होंगे। तो आप यहाँ से पता कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी हैं। ओके, तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ है आपके लिए। और आप तो जानते ही हैं कि अगर आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो मज़ा तो बहुत आता है उन्हें पढ़ने में, लेकिन हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो हमें अपने सिलेबस की बाउंड्रीज़ को याद होना चाहिए, जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर ही हमें पढ़ाई करनी है। हमें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी नहीं करनी है, राइट। सो ये सिलेबस है। आप में से कुछ बच्चों का डाउट होता है कि हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती है, या फिर हमें टीचर समझाते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हम टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें एक स्टडी मटेरियल के थ्रू जाना चाहिए या फिर हमें रेफरेंस बुक के थ्रू जाना चाहिए। गाइज़, अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ तो मैं आपको हमेशा स्टडी मटेरियल को ही सजेस्ट करूँगा। उसका रीज़न है कि स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन करने वाले जो टीचर्स होते हैं उन्हें उसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। उन्हें पता होता है कहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आता है और कहाँ से क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, और किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो स्टडी मटेरियल होता है वो पर्टिकुलरली उसी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया होता है। तो उस स्टडी मटेरियल के अंदर एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं तो रेफरेंस बुक को जो बनाने वाले जो ऑथर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली अपने एक सब्जेक्ट के अंदर महारथी होते हैं। तो वो जब एक सब्जेक्ट की बुक लिखते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें इनकल्केट कर देते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है भी, और जो आपके एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती हैं। लेट्स से हम एस सी वर्मा की अगर हम बात करें तो एस सी वर्मा को आईआईटी के एस्पिरेंट भी पढ़ते हैं, नीट के एस्पिरेंट भी पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो कि नीट में नहीं पूछी जाती हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नहीं पढ़नी है। तो उसके लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास सिलेबस होना ही चाहिए। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि इसका प्लीज़ प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रख लीजिएगा। नीट के सिलेबस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिए, आपके लिए बहुत सारी बुक्स एंड स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। एंड साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।